अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12th क्लास के उर्दू के कहकशां के बुक से चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है टोबा टेक सिंह। क्या सुने, कोवैक्सीन तो नहीं ना सुने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को COVID-19 से मतलब सदमा लग गया है, तो मतलब वो हर चीज़ को ना कोवैक्सीन नहीं तो COVID-19 ही सुन रहे हैं। तो ये चैप्टर का नाम कोई कोवैक्सीन नहीं है, चैप्टर का नाम है टोबा टेक सिंह, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। ये चैप्टर क्या है, एक अफसाना है, कहानी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है, आई लाइक दिस स्टोरी, ठीक है। तो देखिए, ये जो टोबा टेक सिंह नाम का अफसाना है, इस अफसाना की अफसाना निगार यानी कि इस चैप्टर के लेखक है सआदत हसन मंटू। तो सबसे पहले हम लोग सआदत हसन मंटू के बारे में, उनके बारे में कुछ डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ देता है और इसीलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। फिर हम लोग इस टोबा टेक सिंह नाम के अफसाने को यानी कि पूरी कहानी को समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पागल वागल के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो फिलहाल सआदत हसन मंटू के बारे में जानिए। देखिए, सआदत हसन मंटू ये एक अफसाना निगार यानी कि कहानी तो लिखते ही हैं, उसके अलावा ये खाका भी लिखते हैं यानी कि खाका निगार भी हैं, उसके अलावा ये ड्रामा भी लिखते हैं यानी कि ये ड्रामा निगार भी है, और भी बहुत सारी कुछ इन्होंने लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं, फिल्में भी लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग इनके बारे में जानते हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखिएगा, सआदत हसन मंटू जो है वो सिर्फ अफसाना निगार नहीं, वो एक खाका निगार भी है और ड्रामा निगार भी है, ठीक है। तो इनकी पैदाइश के बारे में बात कर ले तो 11 मई 1912 को सआदत हसन मंटू की पैदाइश हुई थी पंजाब के लुधियाना के सिमराला गाँव में, ठीक है। आगे बढ़िए, अमृतसर में तालीम हासिल की लेकिन इंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ पाए। अमृतसर में इन्होंने जाकर तालीम हासिल की थी और उसके बाद इंट्रेंस से वो आगे नहीं पढ़ पाए थे, इंट्रेंस से आगे नहीं बढ़ पाए, ठीक है। आगे बढ़िए, इनके वालिद यानी कि इनके पिताजी का नाम था ख्वाजा गुलाम हसन, ठीक, और इनके वालिदा यानी कि इनकी माँ का नाम था सरदार बेगम। 1939 में बेगम सोफिया से शादी हो गई, सआदत हसन मंटू की शादी किससे हुई, बेगम सोफिया से, ठीक। आगे बढ़िए, उनका पहला अफसाना तमाशा, सआदत हसन मंटू का पहला अफसाना यानी कि पहला कहानी का क्या नाम है, तमाशा। ये जो तमाशा नाम का कहानी है वो अमृतसर से अगस्त 1934 में शाये हुआ यानी कि प्रकाशित किया गया। तमाशा नाम का ये जो कहानी है वो अमृतसर में, ठीक है, अमृतसर से जो है ना अगस्त 1934 को इसको प्रकाशित किया गया, ठीक है। उसके बाद से पहला अफसानवी मजमुआ, देखिए ये पहला अफसाना था, पहला कहानी था तमाशा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पहला अफसानवी मजमुआ यानी कि पहला कहानी का किताब का नाम क्या है, आतिश पारे। पहला कहानी का किताब कौन सा है, आतिश पारे, जिसको सआदत हसन मंटू ने लिखा है। इस आतिश पारे नाम के कहानी की किताब को 1936 में शाये किया गया, इनकी प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया। आगे बढ़िए, सआदत हसन मंटू की कुछ मशहूर अफसानवी मजमुए का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, मशहूर अफसानवी मजमुए आप लोग समझ गए होंगे, अफसानवी मजमुए मतलब होता है कहानी का किताब, ठीक है। तो कुछ मशहूर कहानी का किताब का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है, जैसे कि धुआं, खाली बोतलें खाली डब्बे, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, ऊपर नीचे और दरमियान वगैरह, इन्होंने ढेर सारी जो है ना कहानी के किताब लिखे थे, कौन सा, सआदत हसन मंटू। और एक मशहूर मुख्तसर तरीन अफसानवी मजमुआ यानी कि एक इनका बहुत ज़्यादा फेमस मुख्तसर तरीन अफसानवी मजमुआ यानी कि छोटा छोटा कहानी वाला किताब था जो कि ये लिखे थे, छोटा छोटा जिसमें कहानी था, ठीक है। तो उस छोटे छोटे कहानी का किताब जो है ना, जिसका नाम है स्याह हाशिए, ये सआदत हसन मंटू ने लिखा था, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए, सआदत हसन मंटू फिल्में भी लिखे, जैसे कि इनकी मशहूर फिल्मों का नाम आप लोगों के बुक में दिया गया है कि अपनी नगरिया, चल चल रे नौजवान, बेगम, शिकारी, पड़ोसन, गालिब, घमंड और 8 दिन वगैरह वगैरह इन्होंने फिल्में भी लिखी। अब देखिए, सआदत हसन मंटू जो है ना वो कम उम्र में ही वो ढेर सारी फिल्में भी लिखे, ढेर सारे अफसाने, सबसे ज़्यादा तो इन्होंने अफसाना यानी कि कहानी लिखा, एकदम मज़ेदार अफसाना, इंटरेस्टिंग, जो लोगों को भा जाए। ये अपनी कहानी में ना रियलिटी डाल देते थे, ये सबसे बड़ी बात थी, ठीक है। और उसके बाद से इन्होंने कई सारे खाका भी लिखा, ड्रामा भी लिखा, फिल्म भी लिखा, और उसके अलावा इन्होंने नॉवेल भी लिखा,
कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें लिखी ना, और इसीलिए सआदत हसन मंटू इतना ज़्यादा मशहूर हुए। मतलब अगर अफसाना निगारी की बात की जाए कहानी की, तो कहानी लिखने में सबसे पहला नंबर प्रेमचंद का है, लेकिन प्रेमचंद के बाद जो दूसरा नंबर आता है ना, वो सआदत हसन मंटू का है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने ढेर सारी फिल्में लिखी, अफसाने लिखी, और कुछ अफसाने पर तो इन मतलब मुकदमा भी चलने लगा, केस ठोका गया इनके। जब ये अफसाना लिखते थे ना, तो उस वक्त हमारे भारत देश पर अंग्रेज़ का शासन था, अंग्रेज़ फिरंगियों का। तो उस वक्त वो जो अंग्रेज़ थे, सआदत हसन मंटू के अफसाने पर मुकदमा डाल दिए, यानी कि केस ठोक दिए। तो उनके कुछ अफसाने पर जो है ना केस चलने लगा। देखिए जैसे कि बू है, बू नाम का अफसाना, ठंडा गोश्त, काली सलवार, धुआं, खोल दो, ऊपर नीचे और दरमियान, ये जितने भी अफसाना का नाम है, कहानी का नाम है, इस पर मुकदमा चला था, यानी कि केस ठोकाया था, अंग्रेज़ ने ठोका था। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सआदत हसन मंटू जो है ना, जनवरी 1948 ईस्वी में जो है पाकिस्तान चले गए थे। जनवरी 1948 ईस्वी में मंटू जो है पाकिस्तान चले गए, जहाँ 18 जनवरी 1955 ईस्वी को लाहौर में ही उनका इंतकाल, यानी कि उनकी मौत हो गई। ठीक, तो ये हो गया सआदत हसन मंटू के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए मैं आप लोगों को इस टोबा टेक्सिंग नाम के पूरे कहानी, यानी कि पूरे अफसाने को समझाती हूँ। तो पहले ले लीजिए यहाँ तक फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए हम लोग टोबा टेक्सिंग नाम के इस कहानी को समझते हैं। देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तो उस वक्त लोगों के बीच हलचल मच गया था। सभी लोग जो हैं वो दुख दर्द में थे। उनका घर मतलब जो है ना वो छिन गया था, मतलब जो हिंदुस्तान के लोग थे पाकिस्तान में छूट गए थे, उनको वापस हिंदुस्तान में आना था। फिर जो पाकिस्तान के लोग थे हिंदुस्तान में छूट गए थे, उनको फिर वापस पाकिस्तान आना था। ठीक है, तो इस तरह करके जो है ना लोगों के बीच एक खलबली मच गई थी, हलचल मच गया था। लोगों का तो दुख दर्द अलग ही था, लेकिन इस चैप्टर जो में जो है ना पागलों के दुख दर्द को दिखाया गया है, पागलों के जज्बातों को दिखाया गया है। लोग जितने भी इंसान थे, इंसान को तो दुख दर्द झेलना पड़ा बंटवारे के समय, लेकिन पागलों को भी दुख दर्द झेलना पड़ा, उनके भी जज्बात, आखिर पागल इंसान ही ना होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर भी तो कुछ फीलिंग होती है, उनके अंदर भी तो जज्बात होता है, तो उन्हीं के दुख दर्द को इस चैप्टर में बताया गया है। देखिए, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उसके 2-3 साल के बाद, ठीक है, ये फैसला हुआ था कि जो हिंदुस्तान के हिंदू और सिख पागल है, जो कि पाकिस्तान में छूट चुके हैं, उनको वापस हिंदुस्तान लाया जाए, और जो पाकिस्तान के पागल हैं जो कि हिंदुस्तान में छूट चुके हैं, उनको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये फैसला हुआ था और डेट भी फिक्स हो गया था। अब ये बात जो है पागलखाने में पहुंची पागलों के बीच, और ये बात सुनकर जो है ना पागलखाने में पूरा हलचल मच गया, क्योंकि एक पागल दूसरे पागल के दोस्त बन चुके थे ना। पागल पागल एक दूसरे के घनिष्ठा हो जाती है। ठीक है, जो लोग एक साथ एक पागलखाने में रह रहे हैं, जो पागल, उनके बीच घनिष्ठा हो गई थी। अब वो नहीं चाहते थे कि हम लोग अलग हों, तो इसीलिए पूरे पागलखाने में जो है ना हलचल मच गया था, अफरा तफरी मच गई थी कि अब हम लोग चले जाएंगे, अब हम लोग दूसरे जगह जाएंगे, हम लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। और इस चैप्टर में बात की जा रही है लाहौर के पागलखाने की, जो कि पाकिस्तान में था। ठीक है, तो लाहौर के पागलखाने में जितने भी पागल थे उनके बीच ये हलचल मच गई थी कि अब हम लोग चले जाएंगे, एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ना अलग अलग टाइप के पागल दिखाए गए हैं, जो पागल है एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और आप लोग थोड़ा इस चैप्टर को पागलों के सेंस में आकर समझिएगा, तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एक लाहौर का जो पागलखाना है, अब इस लाहौर के पागलखाने की बात हो रही है। ठीक है, तो इस पागलखाने में एक मुसलमान पागल था जो कि 12 सालों से ज़मींदार नाम का अखबार पढ़ता था। उससे एक और जो है ना पागल आकर पूछा, इस मुसलमान पागल से एक और पागल आकर पूछा, अच्छा ये मतलब हिंदुस्तान क्या चीज़ है, ज़रा हमें बताइए। तो ये जो मुसलमान पागल है जो कि 12 सालों से ज़मींदार नाम का अखबार न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो बोला कि जहाँ पर ना अस्तरें बुनी जाती है उसी जगह को हम लोग बोलते हैं हिंदुस्तान। देखिए कितना मतलब पागलों जैसा बात हो रहा है। फिर अगला देखिए, एक सिख पागल है जो दूसरे सिख पागल से पूछा कि आखिर हम लोगों को हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, क्या वजह है, मुझे तो मतलब हिंदुस्तान की भाषा नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती। तो दूसरा जो सिख पागल है वो बोला, मुझे तो आती है, मुझे भेज दिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक मुसलमान पागल था जो नहाते नहाते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, और इतना तेज़ नारा लगाया ना कि फिसल कर गिर गया।
ठीक है आगे बढ़िए। बाज पागल उस पागल लाहौर के पागलखाने में कुछ ऐसे पागल थे जो पागल नहीं थे। बाज पागल ऐसे थे जो पागल नहीं थे, वो एक क्रिमिनल थे। जैसे कि कोई इंसान जो होता है कोई जुर्म कर देता है, क्राइम कर देता है, तो उसको फांसी की सज़ा मिल जाती है। तो उसके परिवार वाले जो है ना उसको पागल घोषित कर कर पागल खाने में भेज देते हैं उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, फांसी लगने से बचाने के लिए। तो कुछ ऐसे मतलब उसमें इस पागल खाने में कुछ ऐसे पागल थे जो पागल नहीं थे, वो एक क्रिमिनल थे जिनको फांसी की सज़ा मिल गई थी, मौत की डायरेक्ट सज़ा मिल गई थी। तो मौत से बचाने के लिए ना उसके रिश्तेदार जो हैं वो पागल खाने में भेज दिए थे पागल घोषित कर कर। तो उनको तो कुछ का मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में मालूम मतलब था, उनको सिर्फ इतना ही मालूम था कि एक जो है इंसान है जिसका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको हम लोग कायदे आजम भी कहते हैं, इसने मुसलमानों के लिए एक जगह बनाई है जिसको पाकिस्तान कहते हैं। अब ये पाकिस्तान है कहाँ इनको भी कुछ नहीं मालूम था, बस ये जो क्रिमिनल है जो कि पागल नहीं है इनको इतना ही मालूम था। आगे बढ़िए। एक पागल जो झाड़ू देते देते दरख्त के टहनी पर चढ़ गया, यानी कि एक पागल जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में जो है ना झाड़ू देते देते पेड़ की टहनी पर जाकर बैठ गया, और उस पेड़ की टहनी पर बैठकर वो लगातार 2 घंटे तकरीरें देते रहा हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में। लगातार 2 घंटे तकरीरें देता एकदम चिल्ला चिल्ला कर। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि भाई नीचे उतर जाओ, लेकिन वो उतर ही नहीं रहा था। लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन फिर भी वो नहीं उतर रहा था। बहुत देर हो गया उसी पर बैठा रहा। बहुत देर होने के बाद जब वो नीचे उतरा तो अपने सिख पागल को गले लगाकर खूब रोया। मतलब उसको डर था कि उसका जो सिख पागल है, ठीक है, उसका दोस्त, वो चला जाएगा उसको छोड़कर, इसीलिए वो मतलब डर गया था। और डर की वजह से अपने रो रो कर अपने सिख पागल को गले लगाकर खूब रोया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर पागलों के जज्बात को भी दिखाया गया है। भले ही एक पागल पागल है लेकिन उसके अंदर भी जज्बात है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है। वो अपने फ्रेंड, अपने दोस्त जो दूसरा पागल है उसको नहीं छोड़ना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक पागल MSc पास रेडियो इंजीनियर मुसलमान था। एक पागल था जो कि MSc पास रेडियो इंजीनियर मुसलमान था। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में इतना पागल हो गया कि सारा कपड़ा उतार कर नंगे पूरे पागल खाने में घूमने लगा। आगे बढ़िए। एक मोटा मुसलमान जिसका नाम था मोहम्मद अली, ठीक है, जो दिन में 15 से 16 बार नहाता था। एक मोटा मुसलमान था जिसका क्या नाम था, मोहम्मद अली, वो दिन में 15 से 16 बार नहाता था। एक दिन ये क्या किया, अपने खिड़की से ये मतलब ऐलान कर दिया, घोषणा कर दी कि मैं ही हूँ मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको हम लोग कायदे आजम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पागल के मतलब पागल है तो इनको क्या समझ है कि मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, तो ये अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना बताने लगा। आगे बढ़िए। लाहौर का पागल जो हिंदू वकील था, और ये जो पागल था ये प्यार में पागल हो गया था, मोहब्बत में, और इसको मालूम चला था कि जो अमृतसर है वो हिंदुस्तान में चला गया है। ठीक है, अमृतसर के लड़की से ही इस पागल को मोहब्बत हो जाती है, तो वो इसको मालूम चला कि अमृतसर जो है वो हिंदुस्तान में चला गया है, अब ये पाकिस्तान में रहेगा। तो अब जिसने बंटवारा किया था उसको मतलब ये बहुत ज़्यादा गाली दिया, और उसके बाद से इसको टेंशन हो गई थी कि अब मैं मतलब अमृतसर कभी नहीं जा पाऊँगा। लोगों ने समझाया कि देखो तुमको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, तुम चले जाना, ठीक है, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा था। खूब मतलब जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया था उसको खूब गालियाँ देता। आगे बढ़िए। 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। एंग्लो इंडियन मतलब समझते हैं, 2 अंग्रेज़ पागल थे। जब हम लोगों के भारत पर अंग्रेज़ का शासन था, अंग्रेज़ हमारे भारत पर राज कर रहे थे, तो उस वक्त ऐसा थोड़ा ना है कि सभी जो है ना अंग्रेज ठीक ही ठाक होंगे, कुछ अंग्रेज जो उसमें पागल भी थे। तो 2 एंग्लो इंडियन यानी कि 2 अंग्रेज़ पागल थे लाहौर के पागल खाने में, और वो इस टेंशन में थे कि पता नहीं जो हमें खातिरदारी होती थी जब अंग्रेज़ का भारत पर शासन था ना, तो अंग्रेज़ जो पागल थे उनको ज़्यादा खातिरदारी की जाती थी, उनको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता था एकदम ब्रेड पर मक्खन लगाकर। तो ये इस टेंशन में थे कि पता नहीं अब मतलब भारत का बंटवारा हो गया है, अंग्रेज़ जो है फिरंगी वो भारत को छोड़कर चले गए हैं, तो पता नहीं अब हमको जो है ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं, उसी तरह ब्रेड पर मक्खन लगाकर हम लोगों को खाने को मिलेगा कि नहीं, ये इस टेंशन में पागल थे। ठीक है, आगे बढ़िए। एक पागल था जो खुद को खुदा कहता था, खुद को अल्लाह कहता था। ठीक है, अब यहाँ ये तो हो गई मतलब कुछ टाइप के पागल के बारे में आप लोगों को बता दिया गया है शुरू शुरू में। अब जो है इस चैप्टर का जो मेन कहानी
जो अफसाना है वो स्टार्ट होता है। इस टोबर टेक सिंह नाम के चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर, मेन किरदार जिस पर ये कहानी बनाई गई है, वो एक सिख पागल है जो कि 15 सालों से ये लाहौर के पागलखाने में रह रहा था। एक सिख पागल जिसका क्या नाम था, बिशन सिंह। लेकिन इसको, इस सिख पागल को लोग बिशन सिंह नहीं, टोबा टेक सिंह कहकर बुलाते थे। टोबा टेक सिंह, देखिए चैप्टर का भी नाम है टोबा टेक सिंह, ठीक है। तो इस चैप्टर का, टोबा टेक सिंह नाम की इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है, टोबा टेक सिंह। भले ही चैप्टर का नाम है टोबा टेक सिंह, लेकिन यहाँ पर एक सिख पागल की बात हो रही है जो कि लाहौर के पागलखाने में वो रहता है, और वो 15 सालों से वो लाहौर के पागलखाने में रह रहा था, और उसका नाम था बिशन सिंह, लेकिन उसको लोग टोबा टेक सिंह कहकर पुकारते थे। क्यों? क्योंकि बिशन सिंह, ये जो सिख पागल यानी कि ये टोबा टेक सिंह है ना, जिस गाँव में रहता था उस गाँव ही का नाम था टोबा टेक सिंह, ठीक है। और ये अपने गाँव से बहुत ज़्यादा, ये टोबा टेक सिंह को अपने गांव से बहुत ज़्यादा लगाव था, और इसीलिए लोग जो है ना बिशन सिंह को टोबा टेक सिंह ही कहना शुरू कर दिए, और सबसे ज़्यादा जो है ना बिशन सिंह को लोग टोबा टेक सिंह ही कहते थे, ठीक है। और ये जो टोबा टेक सिंह था जो कि 15 सालों से लाहौर के पागलखाने में था, वो 15 सालों से एक बार भी बैठा नहीं था, हमेशा खड़ा ही रहता था। ये जो टोबा टेक सिंह है 15 सालों से उस जेल में था, लेकिन 15 सालों में एक बार भी नहीं बैठा था, हमेशा खड़ा ही रहता था, सोता भी नहीं था, थोड़ा कम सोता था, सोना रहता तो कहीं दीवार में टेक लगा कर थोड़ा सा आँख बंद कर लेता, हो गया बस। ये मतलब आज तक कभी बैठा नहीं था। जब उस पागलखाने के पहरेदार से पता की गई तो वो पहरेदार जो है वो बताया, सिर्फ इतना ही बताया कि एक बार जो है टोबा टेक सिंह को उसके रिश्तेदार जो है हाथ और पैर में बड़ी बड़ी जंजीरें डालकर लेकर आए और इस पागलखाने में छोड़कर चले गए, ठीक है। और तभी से ये जो टोबा टेक सिंह है इस पागलखाने में रहता है, ठीक है। और फिर इसके जो रिश्तेदार है टोबा टेक सिंह के, वो उसके रिश्तेदार हर महीने में एक बार आया करते थे टोबा टेक सिंह से मिलने के लिए। लेकिन टोबा टेक सिंह को जो है ना वो दिन तारीख का मालूम नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी जब इसके रिश्तेदार आते थे ना तो टोबा टेक सिंह को आहट हो जाती थी, एक तरह से टोबा टेक सिंह का दिल गवाही दे देता था कि हाँ अब मेरा रिश्तेदार आने वाला है, ठीक है। भले इसको दिन तारीख का नहीं मालूम था, हर महीने इसके रिश्तेदार आते थे टोबा टेक सिंह से मिलने के लिए, लेकिन जब आते थे और फिर चले जाते थे और फिर नेक्स्ट अगले मंथ जब आना होता था तो इसको टोबा टेक सिंह को पहले ही मालूम चल जाता था कि अब मेरे रिश्तेदार आएंगे, और इसीलिए ये क्या करता था, मतलब जाकर खूब अच्छे से तैयार होता, जैसे कि साबुन मल मल कर नहाता, उसके बाद से बालों को अच्छे तरीके से शैम्पू करके धोता, और उसके बाद से बालों पर कंघा करता और एकदम नया कपड़ा पहनता जिसको कभी एक बार भी नहीं पहना होता, उस तरह का कपड़ा पहनकर एकदम फ्रेश तैयार हो जाता था, ठीक है। और अपने रिश्तेदारों से मिलता था, उसको पहले ही आहट हो जाती थी टोबा टेक सिंह को कि अब मेरे रिश्तेदार जो हैं आएंगे मिलने के लिए। लेकिन जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था ना, तब से टोबा टेक सिंह के रिश्तेदार आकर नहीं मिला करते थे टोबा टेक सिंह से, ठीक है। तो ये टोबा टेक सिंह और भी ज़्यादा पागल हो गया था, और सबसे ज़्यादा जो है ना, ये टोबा टेक सिंह ध्यान में रखिएगा, ये इतना पागल हो गया था कि ये मतलब साफ बोल भी नहीं पाता था, सिर्फ इससे कुछ भी पूछा जाता था तो ये जवाब देता था, ऊपर दी, गुड़गुड़ दी, एंकस दी, बेधनिया दी, मंग दी, दाल ऑफ दी लालटेन, बस इतना ही जवाब देता था, ठीक है। ये हमेशा ये बात जो है मुँह में बड़बड़ाता रहता, और कोई कुछ भी पूछता टोबा टेक सिंह से तो बस इतना ही जवाब देता था, ऊपर दी, गुड़गुड़ दी, एंकस दी, धनिया दी, मंग दी, दाल ऑफ दी लालटेन, ठीक है। अब जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था और टोबा टेक सिंह के रिश्तेदार नहीं आ रहे थे मिलने के लिए इससे, तो ये और भी ज़्यादा पागल हो गया था, और इसको ये मालूम था कि इसके जो रिश्तेदार है वो टोबा टेक सिंह नाम के गाँव से आते थे, टोबा टेक सिंह को मालूम था, ठीक है। अब देखिए टोबा टेक सिंह चुपचाप रहता, और जितने भी पागल पागल है एक दूसरे से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में बात करते तो टोबा टेक सिंह पूरा ध्यान से सुनता था, और जब उन टोबा टेक सिंह से बोला जाता था कि भाई तुम भी कुछ राय दो, तुम भी कुछ बोलो, तो बस यही बोलता था, ऊपर दी, गुड़गुड़ दू, एंकस दी, बेधनिया दी, मंग दी, दाल ऑफ दी लालटेन की जगह पाकिस्तान गवर्नमेंट बोल देता था, ठीक है। इतना ये पागल हो गया था, लेकिन हाँ इसको ये मालूम था कि जो टोबा टेक सिंह नाम का जो गाँव है वहीं से इसके रिश्तेदार आते थे मिलने के लिए। अब ये पता लगाना शुरू कर दिया टोबा टेक सिंह कि आखिर टोबा टेक सिंह नाम का जो गाँव है वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, अब ये पता लगाना शुरू कर दिया। तो ये जितने भी उस पागल खाने के पागल थे उनसे पता लगाया तो वो तो खुद पागल थे,
तो पागल क्या बताएंगे कि टोबा टेक सिंह नाम का गांव हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। तो उस पागलखाने के जितने भी लोग थे, जितने भी पागल थे, टोबा टेक सिंह पता लगाया तो उसको नहीं मालूम चल पाया कि आखिर टोबा टेक सिंह नाम का जो गांव है वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। फिर जो ये टोबा टेक सिंह है ना, वो उस पागल के पास गया जो कि खुद को खुदा समझता था, और टोबा टेक सिंह जाकर उस पागल से पूछा कि अच्छा बताओ कि ये टोबा टेक सिंह नाम का जो गांव है वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। तो ये जो पागल है जो कि खुद को खुदा कहता था, वो बोला कि मैंने तो इजाज़त ही नहीं दी टोबा टेक सिंह नाम के गांव को कहीं जाने की, अगर जिस दिन मैं इजाज़त दे दूंगा कि हिंदुस्तान में जाओ कि पाकिस्तान में जाओ उस दिन चला जाएगा। अब ये बात सुनकर टोबा टेक सिंह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं चल पाया कि टोबा टेक सिंह जो है वो आके हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। अगर इसको मालूम चल जाता ना टोबा टेक सिंह को कि टोबा टेक सिंह नाम का गाँव हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, तो वो वहाँ पर चला जाता। अगर टोबा टेक सिंह नाम का गाँव हिंदुस्तान में है तो टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान चला जाता और जाकर अपने रिश्तेदार से मिल लेता, या फिर टोबा इसको मालूम चलता कि टोबा टेक सिंह नाम का गांव जो है वो पाकिस्तान में है तो ये पाकिस्तान चला जाता, अपने जाकर रिश्तेदारों से मिल लेता। तो इस तरह जो है ना टोबा टेक सिंह को मालूम नहीं चल पाया कि आखिर टोबा टेक सिंह नाम का जो गांव है वो कहां है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। अब जो है एक दिन टोबा टेक सिंह नाम का एक पुराना दोस्त था फजलुद्दीन, वो टोबा टेक सिंह से मिलने के लिए आया था, लेकिन टोबा टेक सिंह अपने दोस्त को नहीं पहचानता था क्योंकि ये पागल था टोबा टेक सिंह, तो कैसे पहचानेगा। तो फजलुद्दीन आकर सिर्फ टोबा टेक सिंह से मिल लिया और इतना बताए कि देखो टोबा टेक सिंह, तुम्हारी जो बेटी है रूपकौर वो भी ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदार भी ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो टोबा टेक सिंह है वो जानने की कोशिश की, पता लगाने की कोशिश की अपने दोस्त फजलुद्दीन से पूछा कि अच्छा बताओ टोबा टेक सिंह नाम का गाँव कहाँ है, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। अब जो टोबा टेक सिंह नाम का दोस्त है वो भी नहीं बता पाया कि टोबा टेक सिंह नाम का जो गांव है वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है। अब देखिए धीरे धीरे जो है ना तबादले का समय आ गया, यानी कि वो डेट आ गया, वो दिन आ गया जिस दिन जो है ना हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू और सिख पागल थे उनको वापस हिंदुस्तान छोड़ना था और जितने भी पाकिस्तान के पागल थे उनको वापस पाकिस्तान भेजना था। वो समय आ गया, वो दिन आ गया, और उस दिन जो है लाहौर के पागलखाने के जितने भी पागल हैं उनको गाड़ी पर बैठाया जा रहा था बॉर्डर पर ले जाने के लिए। बॉर्डर पर से ही ना जितने भी हिंदू सिख पागल हैं उनको हिंदुस्तान छोड़ा जाएगा, जितने भी पाकिस्तान के पागल हैं उनको पाकिस्तान बुलाया जाएगा, ठीक है। तो लाहौर के पागलखाने के जितने भी पागल थे उनको गाड़ी पर बैठाया जा रहा था, जिसमें टोबा टेक भी शामिल था, ठीक है। लेकिन गाड़ी पर बैठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो बैठ ही नहीं रहे थे, लेकिन किसी तरह पुलिस और जो ऑफिसर है वो खींचतान कर जो है गाड़ी पर बैठाए। गाड़ी पर बैठकर जिसमें टोबा टेक सिंह भी था वो चला गया बॉर्डर पर, जितने भी ऑफिसर और पुलिस थे वो लेकर चले गए बॉर्डर पर इन सभी पागलों को। और वहाँ पर जब बॉर्डर पर गए तो अब वहाँ से गाड़ी पर से पागलों को उतारना मुश्किल था। आप लोग जानते हैं पागल जो है वो माइंड के जो है क्रैक रहते हैं, ठीक है, उतना अच्छा से बातों को नहीं समझ पाते हैं, तो उनको उतारना मुश्किल था। और औरतें तो मतलब गाड़ी पर से उतर कर इधर उधर घूम मतलब एकदम दौड़ रही थी पागल की तरह, ठीक है, तो उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल था। लेडीज़ पुलिस भी थी जो कि कंट्रोल कर रही थी, लेकिन किसी तरह जो है ना कंट्रोल किया गया पागलों को। और टोबा टेक सिंह जो है ना ये भी अपनी गाड़ी में से नहीं उतर रहा था, बोल रहा था कि मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक मुझे मालूम नहीं चल जाता कि टोबा टेक सिंह नाम का जो गांव है वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, ठीक है, जिस दिन जब मुझे मालूम चल जाएगा तभी मैं उतरूंगा। लेकिन टोबा टेक सिंह को किसी भी तरह पुलिस जो है खींच खाँच कर गाड़ी पर से उतारी। उतारने के बाद जो है हर एक एक पागल लाइन में लगे थे और उनका जो है नाम रजिस्टर हो रहा था कि उनको हिंदुस्तान भेजा जाएगा कि पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो जब टोबा टेक सिंह की बारी आई तो उसका नाम जो है वो इंसान जो रजिस्टर मेंटेन करता है वो इंसान जो है टोबा टेक सिंह का नाम जो है रजिस्टर पर मेंटेन करने लगा, रजिस्टर करने लगा, ठीक है। तो वो उसी वक्त जो है ना ये टोबा टेक सिंह देखिए भले ही पागल है लेकिन चालाकी किया है टोबा टेक सिंह, क्या किया उसी इंसान से जो नाम रजिस्टर कर रहा था उसी से पूछ लिया कि आखिर बताइए टोबा टेक सिंह जो गाँव है वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है, ठीक है। अब वो जो इंसान जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा था वो बता दिया कि टोबा टेक सिंह नाम का जो गांव है वो पाकिस्तान में है। अब टोबा टेक सिंह को हिंदुस्तान भेजा जा रहा था क्योंकि ये सिंह था, हिंदू था, हिंदुस्तान भेजा जा रहा था। अब ये सुन लिया कि इस जो टोबा टेक सिंह नाम का जो गांव है वो पाकिस्तान में है,
ठीक है। अब ये क्या किया, अब ये ठान लिया कि नहीं मैं पाकिस्तान जाऊंगा, और जाकर पाकिस्तान की तरफ जो जितने भी पागल थे उधर जाकर खड़ा हो गया। जितने भी पुलिस थे वहाँ के अफसर थे वो टोबा टेक सिंह को खींच कर लाने की कोशिश किए हिंदुस्तान भेजने के लिए, और बहुत टोबा टेक सिंह को समझाने की कोशिश की कि भाई देखो टोबा टेक सिंह नाम का जो जगह है वो जो गाँव है वो हिंदुस्तान में है, लेकिन टोबा टेक सिंह मानने को तैयार नहीं था क्योंकि इसको मालूम चल गया था कि हाँ टोबा टेक सिंह नाम का जो गाँव है वो पाकिस्तान में है। पुलिस जो है वहाँ के जितने भी ऑफिसर इसको खूब खींचने की कोशिश किए थे, मतलब हिंदुस्तान के कैटेगरी उधर जाने की मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश किए कि इसको हिंदुस्तान भेजा जाए, लेकिन टोबा टेक सिंह जो है ना एक जगह जम कर एकदम तन कर खड़ा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि इसको कोई तूफान भी नहीं हिला सकता है। तो वहाँ के जितने भी पुलिस थे वो सोचे कि छोड़ो इसको उसी तरह खड़ा रहने दो, जब इसको भेजने का समय होगा हिंदुस्तान तो इसको भेज दिया जाएगा, अभी इसी तरह इसको खड़ा रहने दो। अब देखिए हुआ क्या, शाम हो गई, शाम से सुबह भी हो गया, सुबह सूरज निकलने वाला था, लेकिन सूरज निकलने से पहले एक चीख सुनाई दी और जितने भी इधर उधर के अफसर थे पुलिस थे वो दौड़ कर गए और जाकर देखे तो पता है क्या देखे, कि वो इंसान जो 15 सालों से ना तो कभी बैठा था और ना ही कभी लेटा था वो आज औंधे मुंह लेटा हुआ है, यानी कि टोबा टेक सिंह की मौत हो गई है। टोबा टेक सिंह जो 15 सालों से ना ही बैठा था और ना ही एक बार भी लेटा था वो आज औंधे मुंह लेटा हुआ है, और उस ज़मीन के टुकड़े पर टोबा टेक सिंह की मौत हुई है जो ज़मीन ना तो हिंदुस्तान की है और ना ही पाकिस्तान की। उस ज़मीन पर टोबा टेक सिंह की मौत हुई है जिस पर ना ही हिंदुस्तान का नाम लिखा है और ना ही पाकिस्तान का नाम, ठीक है। तो इस तरह जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान और पाकिस्तान हिंदुस्तान के चक्कर में एक मासूम सा पागल जिसका नाम है टोबा टेक सिंह उसकी मौत हो गई। सोचिए तो यहाँ पर पागलों के जज्बात को भी दिखाया गया, उनके दुख दर्द को भी दिखाया गया है। टोबा टेक सिंह नहीं चाहता था कि वो हिंदुस्तान जाए, वो पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में इसकी मौत हो गई, ठीक है। तो यहीं पर जो है आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो कुछ भी मैं आप लोगों को समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद से आप लोगों को सबसे ज़्यादा शेयर करना है अपने पड़ोसियों अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है आप लोगों को। सब्सक्राइब कर लेने के बाद आप लोगों को एक बेल आइकन दिखाई देगा यानी कि घंटी, उसको दबाना है। जब बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाएंगे ना तो ऑल का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।